हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की हम लोग किस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, नॉर्थन सुपर चार्जेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे की पूरी स्कोर बोर्ड के बारे में। हमने सोच रहा होगा कि ये तो मैंने कल डाली थी, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो मेंस की थी और ये वाली मेंस की है, और ये भी इतनी छोटी होने वाली है जितनी वो थी। तो दोस्तों आप सभी को बस करना इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने में आने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे हो कि क्रिकेट पर मैच अपॉइंटेड लिख रखा, इसका मतलब दोस्तों ये है कि कल मैच खेला ही नहीं गया, फिर चाहे वो मेंस का फिर चाहे वो वुमेंस को हो। दोस्तों कल बारिश इतनी तेज रही कि वो तो नहीं मैचेस खेले नहीं गए, वुमेंस का तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि मेंस का जरूर खेला जाएगा, लेकिन वही हुआ जो वुमेंस के साथ हुआ था, मेंस का भी खेलना नहीं गया और मैच में कुछ भी नहीं हुआ, नहीं टॉस हुआ और नहीं कोई, जब दोस्तों टॉस नहीं हुआ तब क्या और कुछ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो छोटी थी लेकिन आप मुझे पता है कि आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, वो ये है कि अगर यह बिटाई हो जाता है तो क्या होगा, यानी जो जो डॉ हुआ चाहे मैच खेला नहीं गया चाहे नो रिजल्ट आया उसका क्या होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट टेबल है वहाँ पर दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे मैच तो काउंट होगा ही। जैसे दोस्तों एक मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक पॉइंट मिल जाएगा, वहीं नॉर्थन सुपर चार्जर्स को भी एक एक पॉइंट मिल जाएगा, और दोस्तों ये दोनों ही तरफ होगा मेंस में भी और वुमेंस में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो भी हमेशा की तरह छोटी रह गई, लेकिन क्या हुआ आपको सब कुछ पता तो चल गया ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में। We'll be right back.